नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं फिल्मों की दुनिया की सबसे बड़ी खबरों पर। आज हम चर्चा करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, बॉक्स ऑफिस की तीन बड़ी फिल्मों के टकराव की। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 अगस्त 2024 को तीन बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। नंबर 1 पर है उलझ, नंबर 2 पर द साबरमती रिपोर्ट और नंबर 3 पर औरों में कहां दम था। चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में और देखते हैं कि इस बॉक्स ऑफिस क्लेश पर क्या असर हो सकता है। नंबर 1, उलझ। पहली फिल्म है उलझ, जिसमें जानवी कपूर लीड रोल में है। इस फिल्म की कहानी एक पॉलिटिक्स थ्रिलर से जुड़ी हुई है, जो ऑडियंस को बांधे रखने का वादा करती है। जानवी कपूर की एक्टिंग और फिल्म की कहानी इसे एक स्पेशल फिल्म बना देती है। दूसरी फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट, जिसमें विक्रांत मैसी लीड रोल में है। ये फिल्म जासूस थ्रिलर पर बेस्ड है, जो ऑडियंस को एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। विक्रांत मैसी की पावरफुल एक्टिंग और फिल्म की कहानी इसे ऑडियंस के लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म बना देती है। नंबर 3 पे है औरों में कहां दम, जिसमें अजय देवगन और तब्बू लीड रोल में है। ये एक इमोशनल ड्रामा है, जो दिल को छू जाने वाली कहानी पर आधारित है। अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी पहले भी कई हिट फिल्में दे चुकी है और इस फिल्म से भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस क्लेश की। तीनों बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज होने जा रही हैं, जिसमें ऑडियंस के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है कि कौन सी फिल्म पहले देखें। फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि जब दो से अधिक फिल्में एक साथ रिलीज होती है, तो किसी एक फिल्म की रिलीज डेट बदल दी जाती है। जैसा कि हर बार होता है कि इनमें से कोई एक अपनी डेट चेंज करेगा, फिर नई डेट पर जाएगा, फिर उस डेट पर क्लेश होगा, फिर कोई न्यू डेट पर जाएगा, जिसमें पूरा साल निकल जाता है। लेकिन इस बार तीनों फिल्म के मेकर्स ने अभी तक अपनी अपनी रिलीज डेट पर अड़िग रहने का निर्णय लिया है और अपनी डेट चेंज नहीं की है। अब देखना ही होगा कि दर्शकों का झुकाव किस फिल्म की ओर होता है और कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा इस बॉक्स ऑफिस क्लेश पर। आप किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली फिल्म की अपडेट्स आपको मिलती रहें।